अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अयासकुल फहोर और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। तो आइए आपको मैं आपको बताऊंगा कि विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम विंडो आर करते हैं। विंडो आर करने के बाद हम मेरा विनवर्ड लिखेंगे। विनवर्ड लिखने के बाद हम मेरा पहले से लिखा हुआ है तो मैं ओके करूँगा विनवर्ड को। विनवर्ड ओके करने के बाद हम ये आएंगे आपको सबसे पहले ये आ रहा है आपका फाइल, फाइल आ रहा है। तो फाइल फाइल को ओपन करने के बाद हम करेंगे ये कुछ ना कुछ सेव। अच्छा, सेव करने को छोड़ते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें कुछ लिखेंगे। लिखने के बाद तो हम यहाँ पर कोई ना कुछ लिखते हैं तो आपको बता सकें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है मैंने, या फाइल सेव करने में कुछ यहाँ मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, मैंने ये तो लिख दिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ। फाइल, ये फाइल टैब आ रहा है तो फाइल टैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम ये करूँगा मैं सेव, सेव। अच्छा, सेव करने के बाद मैं ऑप्शन, ये पूछ रहा है कि ऑप्शन कहाँ पर रखें आप। कोई ना कोई इसको मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे तो करता हूँ मैं इसको। कोई ना कोई नाम देता हूँ। तो नाम देने के बाद मैं इसको दे रहा हूँ कि इसको नाम दूंगा सुनेला, SUNALLA, सुनेला। सुनेला सुनेला दे दिया तो इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अब ये देखूँगा कि मेरी सारी फाइल सेव हुई है या नहीं। तो सेव फाइल हुई है मेरी। अब मैं इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं आऊँगा दूसरी दूसरी दूसरा स्टेप सेवेज पे। तो सेवेज, अच्छा सेवेज का मकसद होता है मैं, और ये सेम फाइल है और दूसरे नाम से मैं फिर सेव करूँ। तो दूसरा नाम अब इसको मैं देता हूँ, वो इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ। बैक स्पेस करके मैं इसको देता हूँ नेम के नाम से, NAME नेम, नेम दे दिया। तो मैं सेम ही फाइल डेस्कटॉप पे करता हूँ सेव, सेव। अच्छा, आएंगे डेस्कटॉप पे तो मेरी ये देखो नेम से ये सेव, ये जो फाइल हुई है सुनेला वाली, ये सेव की फाइल है। और ये देखो नेम से लिखी हुई है तो ये है सेवेज की फाइल। तो सेवेज और सेव और सेवेस का ऑप्शन आपने समझ लिया। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे वीडियो चलाएं। वीडियो को आखिर तक देखना और कोई ना कोई जो स्टेप है वो मत भूलना ताकि आपको ये। अब इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन पे आने के बाद ही आप देख रहे हैं कि अब ये फाइल दे रहा है कि कोई अपना फाइल खोलो। अब फाइल लोग ओपन करते हैं तो फाइल ओपन कर दिया। फाइल ओपन करने के बाद अब ये अब दूसरा स्टेप आ रहा है। तो दूसरा स्टेप आने के बाद ये आ रहा है, ओपन तो कर लिया। अब मैं ये कह रहा है कि इस फाइल को क्लोज करो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।